कभी हमने ये सोचा नहीं कि मुझे ये करना है। अचानक वो आता है कि मुझे ये करना है तो तुरंत कर डालते हैं उसको। अगर ये सोचते तो शायद कुछ भी ना आज सफल नहीं हो पाते। पहले इसको टेस्ट कराइए। आने वाला भी प्यारा है ना, मस्त एकदम आने वाला बड़ा प्यारा है। एक बताशा मिला यदि कम से कम हमारे पास 900 लोग उसमें से मिलते और हर आदमी जब हमसे गले आके मिलता है तो ऑटोमेटिक कुछ जोश आ जाता है। अभी कम से कम तो आप 40-50 लोग हमारे साथ सर्विस करने से फिर तो अंदर से जुनून आ जाता है यार, मैं क्या हूँ, अचानक क्या करना चाहते, क्यों लेना चाहते, तो ऑटोमेटिक तो जुनून बच्चे लोग आते हैं। अभी कोई दिल्ली से आ रहा है हमारे लिए गाना गाते हैं, समझ कोई ताजा हो जाता है। एक बात का किसका है क्या बास्केट? चलो भाई ये बास्केट रेडी हो गया, ये उठाते रहो बकायदा। अगर उसको प्यार से नहीं सब कर पाएंगे तो सब समझ लो कि हमारा जीना बेकार। पहले सोचते थे कि हमारी चाट भाई भारतीय लोग खाते, इतने दीवाने हमारे विदेशों में पड़े हैं, बहुत सारे फॉरनर आते हैं, एक बास्केट लेते पूरा उंगलियों से चाटता, ये चटनी भी नहीं ले जाती, ऐसा लगता है कि मैंने पेट धुल के रखी। इसको एक ही बार में लेना, मुंह में रखना है। और थोड़ा खराब ये वही ना बात, अब मजा आए। हाँ लगा दे, आप क्या खाओगे? कुछ भी बना, उल्टा पलटा। ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है सफलता के पीछे, बहुत बड़ा एक समझ लो कि एक राज भी है और हाथ भी है, हाथ जो चुटके चलती है, जरा सा भी डिसबैलेंस नहीं होने देते। ये चुटकी जरा से गई कॉर्ड में तेज हो जाए मामला करेगा, तो इन चुटकियों को बहुत विशेष ध्यान में रखना पड़ता है। चाल दिया, अब ये बास्केट मेरे दोस्त के, ये भुना मटर, ये पापड़ी चाट सब के साथ। अच्छा अब ये थोड़े से इसमें हम आठ मसाले डाल कर बनाए हैं और ये डाल दिया, ये मसाले डाल सब मसाले। ये सब मसाले कैसे? अरे जानदार है, कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी और कोरोना नहीं होगा इस वजह से। ये पापड़ी और ये चटनी, ये देखो क्या हुआ, इसको पूरा नहलाएंगे दही से, और लास्ट में और ये अनारदाने, इससे क्या होगा बता, एकदम गोरे हो जाओगे। अभी ये रेडी हो गया बास्केट बॉस, चलो। 5 साल की उम्र में हम दो भाई थे, दो बहनें थी, माता पिता थे, घर में खाने को निर्वाह करता था। पिताजी ने कुछ पैसे लिए थे तो नहीं दे पाए, 3,000 रुपए कुछ थे उस वक्त। हमारी माँ, हम सब लोग वहीं पे रोते रहे, साहब रहने दीजिए, लेकिन किसी ने सुना। तब बचपन में मैंने ठाना है कि मुझे भी यार कुछ करना है। मैंने इमीडिएट रोते हुए एक कच्ची और एक बंडी दिसंबर के महीने में पहन के मैंने घर से निकला हूं, और उसके बाद मैंने घर की शक्ल नहीं देखी। टोपी मेरा सबलोग ताज है यार, इसको कभी मैंने छोड़ा नहीं टोपी। इसके पहले तो हमारे पिताजी पहनते थे, बाबा भी पहनते थे, लेकिन हम जब से बास्केट चाट बनाना शुरू किया है तब से मैंने टोपी पहनना शुरू किया। और इस टोपी को इसलिए पहनते हैं कि कोई दूसरा हमें टोपी ना पहना सके, और आज तक का कोई पहना भी नहीं पाया। यार ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट भी आ रहा है, और पता चल रहा है कि क्यों दूर दूर से लोग इसे खाने के लिए यहाँ पे आते हैं।